कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है परलिंग। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम ईओटी क्रेन की वायरिंग को समझेंगे, ईओटी क्रेन के कंट्रोल वायरिंग को समझेंगे। तो ये जो वायरिंग होगा मैं ड्राइव के साथ करूंगा फ्रेंड्स, इसमें दो मूवमेंट के लिए मैं ड्राइव का यूज़ करूंगा। तो ईओटी क्रेन में फ्रेंड्स मेनली तीन मूवमेंट होते हैं, अप डाउन का मूवमेंट होता है, बैक फ्रंट का मूवमेंट होता है और लेफ्ट राइट का मूवमेंट होता है। तो अप डाउन मूवमेंट छोड़ के मैं बाकी दो मूवमेंट के लिए ड्राइव का यूज़ करूँगा और एक लिमिट स्विच का भी यूज करूँगा। उसको मैं अप मूवमेंट जो होता है उसको बंद करने के लिए, उसको इंटरप्ट करने के लिए इसको लिमिट स्विच यूज करूँगा फ्रेंड्स। और ये हमारा ईओटी या क्रेन का रिमोट है। रिमोट में मतलब छः मूवमेंट का छः हमारा पुश बटन है, हमारा बैक फ्रंट, लेफ्ट राइट और अप डाउन। इन तीनों के लिए एक रिमोट में ऑलरेडी बना बनाया रिमोट आता है, उसमें भी सेम वायरिंग होती है। इसमें मैं इसमें वायरिंग दिखाऊंगा। एक इमरजेंसी और छः एनो पुश बटन यूज किए हैं हमने। उसके अलावा छः मूवमेंट के लिए हमने छः कॉन्टैक्टर यूज किया है फ्रेंड्स। ये कंट्रोल वायरिंग केवल इसमें बता रहा हूँ, पावर वायरिंग के लिए हमें MPCB और MCB भी यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं पावर वायरिंग दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अप डाउन मूवमेंट के लिए तो हम दो कॉन्टैक्टर का यूज कर लेंगे, ठीक है, और बैक और फ्रंट मूवमेंट के लिए हम ड्राइव का यूज़ करेंगे और लेफ्ट और राइट के लिए भी ड्राइव का यूज करेंगे। तो ड्राइव का कंट्रोलिंग मैं कॉन्टैक्टर के साथ करूंगा फ्रेंड्स। तो ये मैं कॉन्टैक्टर की जगह हम चाहें तो रिले भी ले सकते हैं। ये चार कॉन्टैक्टर की जगह हम चार रिले यूज कर सकते हैं, तो उसमें आसानी से वायरिंग हो जाएगा, हमारा खर्च कम हो जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि मान लो कभी भी ड्राइव में प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें उस समय पूरा का पूरा कॉन्टैक्टर नया डाल के पूरी नई वायरिंग करनी पड़ेगी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम पहले ही कॉन्टैक्टर डाल देते हैं। अगर ड्राइव में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर के थ्रू हम अपना मोटर रन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मटेरियल में आप देख पा रहे हैं कि छः कॉन्टैक्टर हमने लिया, एक लिमिट स्विच लिया, हमारा एक रिमोट कंट्रोलर होगा और दो ड्राइव होगा। और पावर वायरिंग के लिए हमें हमारे तीन MPCB होंगे तीनों मोटर के लिए, और एक मेन MCB होगा हमारा मेन पावर के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, ये कॉन्टैक्टर जो होंगे इसमें सब में NC पॉइंट्स होना चाहिए। NC नहीं है तो हमें NC ब्लॉक लगाना पड़ेगा सब कॉन्टैक्टर पे। उसके अलावा फ्रेंड्स, एक हमें ट्रांसफार्मर चाहिए 110 वोल्ट का, और सारे कॉन्टैक्टर के कॉइल वोल्टेज 110 वोल्ट होना चाहिए, और एक उस ट्रांसफार्मर के थ्रू हम इसको ऑन करेंगे, कॉइल वोल्टेज देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट 220 का कॉइल है सब, तो 220 के थ्रू वायरिंग करूँगा। आपको ट्रांसफार्मर लगा के और 110 वोल्ट का कॉन्टैक्टर यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इस वायरिंग को अब इसके वायरिंग डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, बाद में क्या प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वायरिंग डायग्राम को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे छः कॉन्टैक्टर ले लिए, एक लिमिट स्विच, एक हमारा रिमोट और एक हमारा 420 से 110 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ले लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ओवरलोड रिले का यूज नहीं किया क्योंकि हम MPCB का यूज करेंगे। MPCB के थ्रू हम कॉन्टैक्टर को पावर देंगे, वहाँ से हम प्रोटेक्शन देंगे अपने मोटर को। सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर पे हम दो फेज सप्लाई इनपुट में दे देंगे और आउटपुट से हमारा जो 0 वोल्ट है वो 0 वोल्ट निकाल के और सारे कॉन्टैक्टर के एक कॉइल को कॉमन सप्लाई दे देंगे। तो कॉमन हमने न्यूट्रल डायरेक्ट सारे को दे दिया। अब क्या करेंगे कि 110 वोल्ट वाला जो वायर है वो ट्रांसफार्मर से उठाएंगे और सीधे अपने रिमोट के इमरजेंसी के NC पे देंगे और NC से आउट होकर सारे पुश बटन जितने भी हैं उन सबको एक तरफ सप्लाई दे देंगे फेज 110 वोल्ट। और फिर सबसे पहला जो पुश बटन है वो हमारा अप कॉन्टैक्टर के लिए, तो वहाँ से NO से आउट होकर एक वायर उठाएंगे और सबसे पहले लिमिट स्विच के NC पे देंगे क्योंकि लिमिट स्विच से इसको कंट्रोल करना है हमें। तो लिमिट स्विच के NC के एक पॉइंट पे दिया और NC से के दूसरे पॉइंट से वायर उठा के ब्लू कलर का, और सबसे पहले हमने क्या किया कि डाउन के NC को दिया क्योंकि हमें इंटरलॉकिंग करना है। तो डाउन के NC को दिया और डाउन के NC से आउट होके अब हम अप के कॉन्टैक्टर के कॉइल को दे देंगे सप्लाई। तो इस तरीके से हमें लिमिट स्विच और कॉन्टैक्टर से होते हुए अप कॉन्टैक्टर को ऑन किया है। अब डाउन का कॉन्टैक्टर है तो डाउन के कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए डाउन के पुश बटन से एक ग्रीन वायर उठाया और सीधे क्या किया कि अप के कॉन्टैक्टर के NC को दिया और NC से आउट होकर फिर डाउन के कॉन्टैक्टर के कॉइल को दे दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अप डाउन कॉन्टैक्टर का वायरिंग हो गया। अब हमें फ्रंट बैक का करना है। तो फ्रंट के लिए एक रेड वायर उठाया पुश बटन के NO से आउट होकर और बैक के NC से होते हुए हमने फ्रंट के कॉइल को दे दिया और सेम इसी तरीके से
चौथे पुश बटन से एक बार उठाएंगे और अपने फ्रंट के एनसी से होते हुए बैक के कॉइल को दे देंगे। तो ये हमने ऑरेंज वायर में वायरिंग ये किया, और सेम इसी तरीके से हमें अपने लेफ्ट और राइट के कॉन्टैक्टर की भी वायरिंग करनी है, तो वो भी अभी कर देता हूँ। तो पर्पल कलर में हमने क्या किया, लेफ्ट के कॉइल को दिया राइट के एनसी से होते हुए, और इसी तरीके से सबसे लास्ट कॉन्टैक्टर पर चला लेफ्ट के का, लेफ्ट का ब्लू कलर में वायर उठाया और लेफ्ट के एनसी से होते हुए राइट के कॉइल को सप्लाई दे दिया। तो इस तरीके से हमारा सारे कॉन्टैक्टर के कॉइल की सप्लाई हो गई। अब हमें ड्राइव का कनेक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दो डेल्टा का एम सीरीज का ड्राइव लिया और दोनों का कनेक्शन टर्मिनल मैंने बड़े में दिखा दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ग्राउंड से एक वायर उठाना है और दोनों कॉन्टैक्टर के एनो पे कॉमन सप्लाई देना है ग्राउंड वाला। देखिए, ग्राउंड पे ब्लू वायर दोनों तरफ दे दिया। अब क्या करना है कि एक कॉन्टैक्टर से, जो पहला कॉन्टैक्ट है उससे एम जीरो पे, और दूसरे कॉन्टैक्टर के एनो से आउट होकर एम वन पे सप्लाई दे देना है, एक फॉरवर्ड का और एक रिवर्स का। तो जैसे पहला कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जैसे पहला हम ऑन करेंगे पुश बटन, तो पहला कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा एम जीरो मतलब कि फॉरवर्ड में रन होगा ड्राइव, और जब दूसरा पुश बटन ऑन करेंगे तो एम वन मतलब कि रिवर्स में हमारा ड्राइव रन करेगा। तो अभी हमने बैक और फ्रंट के कॉन्टैक्टर को ड्राइव से कनेक्ट किया। अब इसी तरीके से लेफ्ट और राइट को भी ड्राइव से कनेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट ड्राइव के कॉन्टैक्टर को भी। तो सेम वैसे ही करना है, ग्राउंड से वायर उठाना, दोनों कॉन्टैक्टर को कॉमन देना और दोनों के एनो से आउट होके पहले से एम जीरो पे और दूसरे से एम वन पे सप्लाई दे देनी है। तो इस तरीके से हमें ड्राइव का कनेक्शन भी कर लेना है। तो अब समझ गए कि कनेक्शन वायरिंग डायग्राम कैसे करना है। अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसा वायरिंग डायग्राम दिखाया मैंने अभी, सेम टू सेम वैसा वायरिंग कर लिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं रिमोट की वायरिंग समझाता हूँ। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक फेज का वायर जो है, ये फेज का 110 वोल्ट का जो वायर है, ये ट्रांसफार्मर से जो है वो सीधे मैंने इमरजेंसी स्विच के एनसी पे ले लिया, और एनसी से आउट होकर ये येलो वायर आप देख पा रहे हैं सारे पुश बटन पे मैंने ले लिया है, जितने पुश बटन सबको टाइट। इमरजेंसी जैसे ऑन करेंगे सबको 110 वोल्ट मिल जाएगा। फिर 110 वोल्ट आउट होकर हर पुश बटन से हमने कनेक्टर पे ले लिया। तो जैसे कि पहला जो हमने रखा, ये दोनों अप डाउन के लिए रखा, ये अप के लिए और ये डाउन के लिए। तो सबसे पहले ये वायर जो है अप पे चला गया, दूसरा वाला डाउन पे चला गया, ऐसे ही तीसरे पोर्ट पर, ऐसे सारे कनेक्टर पे लाइन टू लाइन बाय लाइन मैंने ले लिया, ठीक है वायर। उसके बाद देखिए, अप का ये वायरिंग किया है मैंने। अप का वायर सबसे पहले कनेक्टर पे गया, कनेक्टर से वापस होके इस कनेक्टर पे आ गया, और यहाँ से कनेक्टर से ये लिमिट स्विच पे चला गया, लिमिट स्विच के एनसी पे गया, और एनसी से आउट होके यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये पुश बटन से वायर निकल के लिमिट स्विच से होते हुए यहाँ पे आया, और यहाँ से अब हम कॉन्टैक्टर पे देंगे, और दूसरा डायरेक्ट यहाँ पे गया, यहाँ से सीधे कॉन्टैक्टर पे चला जाएगा। किया ये दोनों अप डाउन के लिए यूज किया, ये हमारा बैक और फ्रंट के लिए, ये हमारा लेफ्ट और राइट के लिए। तो देखिए, ये रिमोट की वायरिंग तो समझ में आ गया इजीली एकदम। इसके बाद देखिए, ये अप का जो वायर यहाँ से निकला, देखिए अप का वायर जो यहाँ से निकला था वो यहाँ पे पहुँचना था इस टर्मिनल पे। इस टर्मिनल से वायर निकाला मैंने येलो वायर, और येलो वायर निकाल के हमने इस कॉन्टैक्टर को ऑन कराना है। अप का कॉन्टैक्टर ये है, तो सबसे पहले इस कॉन्टैक्टर के डाउन के कॉन्टैक्टर के एनसी को दिया, और एनसी से आउट होकर इसके कॉइल को दे दिया। और सेम इस पुश बटन से जो वायर निकला डाउन के पुश बटन से, वो डाउन के पुश बटन से निकला और वायर, और सीधे गया हमारे अप के पुश बटन के एनसी पे, अप के पुश बटन के एनसी से होकर डाउन के कॉइल पे चला गया। सेम इसी तरह बैक फ्रंट और बैक का जो कॉन्टैक्टर है यहाँ पे, जैसा अभी ड्राइंग में दिखाया था सेम, और सेम इसी तरीके से हमारा लेफ्ट और राइट का भी वायरिंग किया हुआ है। ये वायरिंग तो आप आसानी से समझ गए। अब हमें मेनली क्या समझना है कि हमारा जो ड्राइव का वायरिंग है वो कैसे करना है, VFD का वायरिंग कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो कॉन्टैक्टर और ये दो कॉन्टैक्टर से हम VFD को रिवर्स फॉरवर्ड का कमांड देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने ग्राउंड का वायर उठाया, ग्राउंड से एक वायर उठाया और यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और यहाँ से वायर उठाया ग्राउंड वाला, और हमारे इन दोनों कॉन्टैक्टर के एनओ पे देखो ये लूप कर लिया है, ये एनओ पे लूप कर लिया, दोनों एनओ पे मिल गया। अब एक एनओ से आउट होके, एक कॉन्टैक्टर के एनओ से आउट होके वायर यहाँ पे आया, और दूसरे से एनओ से आउट होके यहाँ पे आया, दो नंबर और तीन नंबर पे। और दो नंबर से वायर उठा के हमने एम वन पे दिया, और तीन नंबर से वायर उठा के एम टू पे दिया, सॉरी एम जीरो पे दिया और एम वन पे दिया। एम जीरो फॉरवर्ड के लिए, एम वन रिवर्स के लिए। मतलब कि इस कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्टर जब लगेगा तो फॉरवर्ड में हमारा ड्राइव रन होगा, ये कॉन्टैक्टर जब लगेगा तो रिवर्स में हमारा ड्राइव रन होगा। सेम ऐसे ही इस कॉन्टैक्टर, इस ड्राइव को ऑन करने के लिए इसके ग्राउंड से वायर उठा के ये पीला वायर यहाँ दिया, और ये पीला वायर उठा के इन दोनों के एनओ को कॉमन दे दिया,
और एनो से एक कॉन्टैक्टर के एनो से आउट होके एम जीरो पे दिया और दूसरे कॉन्टैक्टर के एनो से आउट होके यहाँ से होते हुए एम वन पे दे दिया। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग होगी। तो चलिए अब टेस्टिंग करते हैं। हमने यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पर फेज दे दिया, अब इसको ऑन करके टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी जब लगा रहेगा तो कोई भी देखिए पुश बटन काम नहीं कर रहा मेरा। जब इमरजेंसी ओपन करेंगे तभी काम करेगा हमारा। तो जैसे ये दबाएंगे तो आपका कॉन्टैक्टर ऑन होगा। देखिए ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, छोड़ दिया। और जैसे ऑन है और ये लिमिट स्विच जब लगेगा तो वो बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो जाएगा। और ये डाउन का कॉन्टैक्टर। और इसी तरीके से फ्रेंड ये हमारा फ्रंट का और ये बैक का। तो ये देखिए फ्रंट, ये बैक, ये हमारा है लेफ्ट और राइट का। तो लेफ्ट का, लेफ्ट का, राइट का। तो आप देख पा रहे हैं कि परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये ड्राइव में अगर पावर होगा तो हमारा फॉरवर्ड में रन हो जाएगा, और ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये रिवर्स में चला जाएगा। और इसी तरीके से ये कॉन्टैक्टर, इन दोनों कॉन्टैक्ट, इसी तरीके से ये कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्टर के ऑन होने से ये फॉरवर्ड रिवर्स में जाएगा। तो इसकी भी वायरिंग, अभी इसका पैरामीटर्स दिखा देता हूँ कि पैरामीटर्स में सेटिंग क्या करनी है। एक्सलेशन डीएक्सलेशन की जो सेटिंग करनी होती है वो दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड सबसे पहले मोड बटन दबाएंगे। मोड बटन दबा के पी 01 पे आ जाएंगे। ये सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड है। यहाँ पे हम 01 सेट कर लेंगे, मतलब एक्सटर्नल हमें कमांड देके इसको ऑन करना है और स्टार्ट और स्टॉप करना है। तो सबसे पहले पी 01 पे 01 कर लिया। अब नेक्स्ट देखना है हमें कि फ्रीक्वेंसी का कमांड कहाँ से देना है। तो फ्रीक्वेंसी कमांड हम पोटेंशियोमीटर से भी दे सकते हैं और ये अप डाउन एरो से दे सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर से देने के लिए P00 है वहाँ पे 4 सेट कर लेना है। तो 4 सेट करके हमने इसको इंटर दबा के सेव कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियोमीटर से हम इसको बढ़ा और घटा सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, मतलब कि अब अप डाउन एरो से अब हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर अप डाउन से करना है तो 00 रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम अपना एक्सलेशन डीएक्सलेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम मोड बटन पे क्लिक करते हैं। मोड बटन क्लिक करके P10 पे आ जाते हैं। P10 हमारा एक्सलेशन को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो P10 पे हमारा जितना ज़्यादा रखेंगे उतना धीरे धीरे स्टार्ट होगा हमारा मोटर, उतना देरी में वो हम जितना फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे उतना देर पहुँचेगा। तो यहाँ पर देखिए P10 पे हमने अभी 1 रख लिया। P11 0.6 है, यहाँ पे भी 1 रख लेते हैं, मतलब थोड़े से टाइम के बाद ये हमारा फुल स्पीड पे आएगा। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हम मैनुअल मोड में रन कर लेते हैं। मैनुअल मोड में रन करने के लिए P01 पे 00 करेंगे। P01 पे आ जाते हैं। पहले P01 पे हम यहाँ पे 01 सेट किया था तो यहाँ पे 00 कर लेते हैं। 00 मतलब कि मैनुअली यहाँ से ऑन करेंगे हम रन कमांड में। और इससे हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कितने देर में जितना सेट किया उतना पहुँचता है। तो अभी देखिए 46 सेट किया तो 46 देखना है कि कितने देर में पहुँचता है, मतलब एक्सलेशन कितना हमने और रखना चाहिए कि ठीक है। तो मतलब तुरंत पहुँच गया। देखिए फ्रेंड्स तभी हम एक्सलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। डीएक्सलेशन तो ठीक है। अभी हम एक्सलेशन को बढ़ाने के लिए फिर से P10 में जाते हैं और P10 की जगह पर हम यहाँ पर 1 से बहुत ज़्यादा वैल्यू रख लेते हैं ताकि हमें काफ़ी देर में उतना एक्सलेशन हमारा उतना मैक्सिमम स्पीड पहुँचे। तो हमने यहाँ पे 5 से ऊपर रख लिया। अब देखिए फिर से एक बार मोड रन कमांड देते हैं इसको। देखिए जैसे रन दबाया इतनी देर में हमारा मैक्सिमम स्पीड आया, मतलब कि स्मूथली एकदम हमारा मूवमेंट मिलेगा क्रेन को। तो ये सही रहता है। इस तरीके से हम इसके पैरामीटर की सेटिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने ईओटी क्रेन के ड्राइव के सारे कनेक्शन बता दिए, कंट्रोल वायरिंग सारा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉल्ट को कैसे ढूंढते हैं वो बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।